चलो भाई हम जा रहे हैं मेले में। मैं सारी चीज़ें जो हैं पहले इनको खिड़कियाँ शिड़कियाँ बंद कर दूँ। अल्लाह बंद भी नहीं हो रही, आह खूब जान चाहिए। उसके बाद पंखे शंखे बंद कर दूँ और टाइम बहुत हो गया है। कवल हो गई है, रेडी? चलो चलो चलो, मैं सही लग रही हूँ। सही लग रही ना, काम में क्या किसी ने देखना। मैंने इस बार नकाब की जगह जो है वो प्रेफर करा है अपने मास्क को। सही लग रहा है मेरे पे मास्क, अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो बस सही है, सांस आए बस। वैसे मुझे आती नहीं है मास्क में सांस, वो यूँ सांस नहीं आती क्योंकि ना वो नकाब में आ जाती है फिर भी, और आदत भी वैसी है मुझे तो इसलिए। चले भाई चल रहे हम मेले में। जल्दी से आ जाओ कवल, कवल ने ताला लगाना है, ताला बेड पे रखा हुआ है। आओ बच्चे और अम्मी जा चुकी हैं इनके साथ, और हम जो हैं वो रह गए हैं। हम थोड़ा सा वॉक करते हुए जाएंगे, देन उसके बाद जो है फिर ये हमें ले लेंगे साथ। आज ही ना इसकी ओपनिंग हुई है मेले की ना, तो जब भी इतने लोग आए वो ना बहुत आवाम नज़र आ रही। मैंने कहा नहीं आज चलम की छुट्टी भी होगी ना तो इसीलिए आवाम। वो देखना जोकर, इस जोकर को कह रही चली गई होंगी। गोरी गोरी कहाँ पर हो? यहाँ पे खड़े। चलो टिकट लो, ये जोकर को देखो। ट्वेंटी आदमी क्या लिया हुआ है, बच्चा टाइप से डर लग रहा है। तो फिर व्यूअर्स मेले में जो है वो एंट्री हो चुकी है और स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे, टॉयज़ के और स्टेशनरी के, खाने पीने के और साथ में बर्तनों के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैं हर स्टॉल पे आपको हर चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी। प्राइसेस किसी के हाई थे, किसी के लो थे, किसी के नॉर्मल थे, तो ठीक थे। ये 60 रुपीज़ की जो है वो की चेन्स थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी, छोटी छोटी सी, हर स्टाइल में हर डिज़ाइन में थी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और मेरे बाद में मुझे पता चला कि मार्केट में भाई ये 150 में जो है या फिर 80 रुपीज़ में ईच मिल रही है या फिर 150 में दो मिल रही हैं, तो उस लिहाज से ये वहाँ पर ठीक मिल रही थी। देन इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, ये देखें कितनी सारी चीज़ें क्यूट क्यूट सी लग रही हैं। और ये बच्चों की स्टेशनरी की हैं चीज़ें जो कि रखी हुई यहाँ पे, टॉयज़ भी हैं आगे और झूले वगैरह बच्चों के, हर चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। मैं पार्ट वन अभी शो कर रही हूँ, पार्ट टू के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इंशाल्लाह वो कल या परसों में अपलोड हो जाएगा, तो पार्ट टू भी ज़रूर देखिएगा भाई। अगर वीडियो स्टार्ट कर ही दिए देखनी तो लाइक करना तो बनता है ना भाई। तो यहाँ पर ये हैं बर्तनों के स्टॉल, अच्छे थे यहाँ पे बर्तन भी, देखें ये प्लास्टिक आइटम्स हैं यहाँ पे, बॉटल्स वगैरह हैं, कंटेनर्स हैं यहाँ पे। मुझे ट्रे सेट अच्छा लगा था जो कि बाद में मुझे पछतावा हुआ कि मुझे ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाहर से भी मिल जाता है, लेकिन उस टाइम पे वो आई थिंक कि बिल्कुल सही प्राइसेस में मिल रहा था। ये देखें कंटेनर्स कितने अच्छे हैं ये, और ये भी 200 ईच हैं सारे, 200 में मतलब 3 पीस मिलेंगे आपको। कुछ बड़े वाले साइज़ में थे वो 200 ईच थे, बाकी 200 में 3 मिल रहे थे आपको यहाँ पे, कुछ 150 में भी थी चीज़ें, 200 में भी थी, 100 में भी थी, तो अलग अलग प्राइसेस थे इसके, ज़्यादातर जो है वो 200 थी। ये देखें ये ट्रे सेट था, ये मुझे अच्छा लगा था, ये दो थे, एक मीडियम था और एक स्मॉल था, तो ये 200 में बिल्कुल सही मिल रहा था। पता नहीं क्या ख्याल आया मेरे जो मैंने छोड़ दिया। एंड ये लार्ज है, और लार्ज जो है वो ईच थी 200। बाकी ये देखें चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं भाई। आके आप देखिएगा झूले, झूलों के लिए महारुष बहुत ज़िद कर रही थी लेकिन हमने नहीं झुलाए क्योंकि बार बार लाइट्स ऑफ हो रही थी। अगर हम झूले में बैठ जाते और लाइट चली जाती, स्टक हो जाते, तो भाई बड़ा मुश्किल था उतरना, फिर बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, छोटे बच्चों के लिहाज से ख़ास तौर पर। जैसे अजलान को फीवर भी हो रहा था और हम जा चुके थे फिर भी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत इंजॉय करा, लेकिन वही है कि गाने वगैरह बहुत लगे हुए थे अंदर हर स्टॉल पर, तो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर की नॉइस चल रही थी जिसकी वजह से सर में दर्द हो गया था और हम जो है उसके बाद आ गए थे। यहाँ देखें यहाँ पर ये है
यहाँ पे बॉडी स्प्रेज हैं और रूम स्प्रे वगैरह रखे हुए थे, तो इनके भी प्राइसेस 200 थे कुछ के, 250 थे, 100 रुपीज़ ईच में। लिपस्टिक्स थी, सही थी, ये एक्सपायर तो नहीं थी बहरहाल, लेकिन ठीक थी। कलर्स बहुत अच्छे थे, शेड अच्छे थे, लेकिन जो हम यूज़ नहीं करते ब्रांड वो भी नहीं करते। चले भैया, आगे आप कंटिन्यू देखते रहिएगा एंड तक, और क्या क्या है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी पूरी वीडियो में। और लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू शेयर, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर लगे मिला तो आप भी मिस नहीं करें और आपके फ्रेंड्स भी मिस नहीं करें। महारुष की जो है वो झूलों के साथ साथ ज़िद थी कि उन्हें गोलगप्पे खाने हैं, और साथ में वो जो फ्राइड राइस का स्टॉल लगा हुआ था, इन्हें फ्राइड राइस चाहिए थे, लेकिन वही है जितनी ज़्यादा इनकी फरमाइशें थी, मैंने इनको कुछ भी नहीं खाने के दिलाया, बिकॉज़ भाई स्टॉल्स तो थे पर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वही वाली बात है, बच्चों को बीमार करने वाली है। धूल मिट्टी और इस टाइप का जो है वो मैदान है, मैदान में होता है सब कुछ, लेकिन कुछ केयर भी होती है, तो बच्चों के लिहाज से तो भाई बिल्कुल भी खाने वाली चीज़ ऐसी नहीं थी, और हमने भी कुछ नहीं खाने के लिए लिया। एंड इसके अलावा यहाँ पे मेकअप के स्टॉल्स हैं, और ये देखें यहाँ पे टॉयस स्टॉल्स हैं छोटे छोटे, हर तरह के रंग बिरंगे गम्बी और स्लाइम एंड पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और जो कि बच्चों को अट्रैक्ट कर रही थी, और हर बच्चा फरमाइश कर रहा था, लेकिन मारुष ने तो ऐसी चीज़ें लेके काफ़ी तोड़ फोड़ दी हैं, तो इसलिए मारुष ने एक बारी बोलने के बाद दोबारा नहीं बोला। बाकी ये कि स्टॉल्स वगैरह के लिहाज से अच्छा था मेला, लेकिन वाकई में मेला मेला ही है। मेरे हस्बैंड के तो सर में दर्द हो गया, उन्होंने कहा ये मेला नहीं है, ये मेला है मेला। तो चलो बस यहाँ से, दैन इसके बाद का व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करने वाली हूँ। यहाँ पे फ्रॉक्स वगैरह हैं और परफ्यूम्स वगैरह भी थे, बट वही वाली बात है, जैसे पैसे वैसी चीज़, तो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। मारुष ने तो बहुत ज़िद करा है गोलगप्पे के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, पर हमने बहुत भैया बहुत रोका है उसे, और उसके बाद हम उसे पार्क लेकर गए। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो पार्क का मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और आती है स्टॉल्स का जो रह गए थे, तो दुआ में याद रखिएगा। दीजिए किरण फिजान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फ्राइड राइस है।